हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया? बढ़िया रहना भी चाहिए। आज का जो हमारा वीडियो लेक्चर है, इसमें हम पढ़ने वाले हैं कॉम्बिनेशन ऑफ थर्मल रेजिस्टर के बारे में। ओके, जैसे हम इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन पढ़ चुके हैं, कहाँ पढ़ चुके हैं, या रेजिस्टर का कॉम्बिनेशन पढ़ चुके हैं कहाँ, 10th क्लास में। वो मतलब जो रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन पढ़ रहे थे, यहां पर थर्मल रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन होगा। जैसे वहां पर इलेक्ट्रिक करंट पढ़ रहे थे, यहाँ हीट करंट पढ़े थे, वैसे ही यहाँ एक थर्मल रेजिस्टर आया था, या थर्मल रेजिस्टेंस बोल सकते हैं उसको, वो आया था। मतलब रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ रेजिस्टर, तो वो चीज, वो टर्म आया था, उसका हम क्या करेंगे, कम्बिनेशन करेंगे। और दूसरी जो बातें आई, जो इंपॉर्टेंट बात, वो कम्बिनेशन से पहले ही जंक्शन लॉ के बारे में थोड़ा सा समझेंगे कि क्या होता है हीट करेंट एट द जंक्शन। तो पहले देखते हैं जंक्शन लॉ। ये जंक्शन लॉ क्या कहता है? जंक्शन लॉ, जंक्शन लॉ, ये टोटल इनकमिंग हीट विल बी इक्वल टू टोटल आउटगोइंग हीट। ये क्या कहता है? टोटल टोटल इनकमिंग हीट विल बी इक्वल टू टोटल आउट गोइंग जितने हीट आएंगे उतने ही क्या होगा, बाहर जाएगा। अब देखो, ये यहां से हीट करंट है ऐसे, अब ये इस तरह से है, ये इस तरह से, ये यहां से मान लीजिए एच हीट इधर की तरफ जाता है, इस लाइन से ऐसे बता सकते हैं आप, और यहां से हीट क्या है, ये एच वन है इधर की तरफ जाता है, और एच टू हीट इधर की तरफ जाता है। तो टोटल इनकमिंग हीट क्या है? एच है, तो आउटगोइंग कितना होगा? एच वन प्लस एच टू। क्या बात समझ में आ रही है? टोटल इनकमिंग हीट विल बी इक्वल टू टोटल आउटगोइंग हीट के। दिस इज द बेसिक कंसेप्ट कि मतलब जितना करंट किसी भी जंक्शन पर, ये जंक्शन कौन सा है, मान लीजिए, सपोज कीजिए हमने ओ मारा हुआ है, ये ए है, ये ओ है, ये बी है और ये सी है, इस तरह से। ठीक है, अब इस तरह से जो जंक्शन लॉ होते हैं, इसमें हमें क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं और किस तरह से हम इस क्वेश्चंस को टैकल करते हैं। देखिए, जैसे आपसे ये पूछते कि फाइंड द टेम्परेचर टेम्परेचर एट जंक्शन जंक्शन ओ, वो जंक्शन पर आपको पूछा जाए कि टेम्परेचर कितना है। तो देख लीजिए, जैसे ये ऐसे है, ये इस तरह से, ये यहां है, ये इस तरह से। ओके, तो अब देखो, ये एच है, ये ओ है, और यहां क्या है, एच वन है, और दूसरा क्या हो जाएगा, एच टू। ओके, डन। अब ये जो टेम्परेचर है 100 डिग्री सेल्सियस है, और ये बाकी जो है वो कितने हैं, 0 डिग्री सेल्सियस पर। आपको ओ पर, जंक्शन ओ जो है, वहां का टेम्परेचर निकालना है, टी नॉट निकाल के देना है कि ये कितना होगा, या फिर एक काम करो, ओ लिखा हुआ है में तो टी ओ लिख। ओके, अब देखो ये कैसे लगाते हैं इसमें जंक्शन का, तो जो भी हीट होगा, इनकमिंग हीट सॉल्यूशन करते हैं, जो भी इनकमिंग हीट है जंक्शन की तरफ आने वाला जो हीट है, दैट विल इक्वल टू आउटगोइंग हीट के। ठीक है, तो अब ये जो टेम्परेचर है, दैट इज हाई टेम्परेचर, तो के ए इंटू टी एच हाई माइनस 0 अपॉन, ये अगर मान लीजिए एल है, ये सारे हमें पहले ये भी देना होगा कि ये सारे जो है वो आइडेंटिकल है, और देखो इसमें ऐड कर देता हूं, ऑल रॉड्स आर, ये जो कनेक्टेड है वो सारी क्या है, रॉड्स है, ऑल रॉड्स आर आइडेंटिकल, आइडेंटिकल, ये सारे क्या है, आइडेंटिकल है। तो आइडेंटिकल है मतलब कहने का लेंथ भी सेम होगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी सेम होगा। क्या बात समझ में आ रही है? लेंथ तो सेम ही होगा, जैसे एल है, ये सामने वाला क्या है, ए है, ये भी एल है और ये सामने वाला क्या हो जाएगा, ए, और ये एल है, ये भी सामने वाले क्या हो जाएगा, ए। अब देखो, ये के ए इंटू टी एच माइनस टी और अपॉन एल,
और यहां पर जो देखेंगे आप क्या हो जाएगा टी नॉट, अब ये जो है ना एच यहां पर जीरो नहीं टी नॉट आए। अब देखिए यहां से यहां जाएगा तो टी नॉट जैसे ये के इंटू ए, तो टी नॉट माइनस जीरो अपॉन एल प्लस के ए इंटू टी नॉट माइनस जीरो अपॉन एल। अब ये इस तरह से हमको इसको मैनिपुलेट करना है तो के के को कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा कितना के इंटू टी एच, हाई टेम्परेचर है कितना 100 डिग्री सेल्सियस माइनस जीरो अपॉन कितना हो जाएगा एल इक्वल टू टू के ए टी नॉट अपॉन एल। अब ये जो है ना 100 तो है ही, तो 100 को तो क्या करेंगे अपन 100 माइनस जीरो हटा देंगे तो के ए इंटू 100 अपॉन एल इक्वल टू 2 के ए इंटू टी नॉट अपॉन एल। तो ये क्या हो जाएगा के ए के कैंसिल ये इस तरह से, और हम यहां पर लिख सकते हैं क्या 100 इक्वल टू 2 टी नॉट, तो टी नॉट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 100 अपॉन 2, तो टी नॉट इक्वल टू कितना हो जाएगा 50 डिग्री सेल्सियस, मतलब यहां का जो टेम्परेचर होगा 50 डिग्री सेल्सियस। और तुमको एक जानकारी के लिए बात बता दूं, अगर इस तरह से कॉम्बिनेशन हो 0 डिग्री सेल्सियस 0 डिग्री सेल्सियस तो नोट डे के बाद लिख लो नोट जो होगा ये टी नॉट जो होगा दैट विल इक्वल टू हाई टेम्परेचर अपॉन नंबर ऑफ रॉड्स, एंड क्या है नंबर ऑफ रॉड्स। अब ये मत काउंट कर लीजिएगा ये वाला रॉड्स ये वाला रॉड्स जो आउट गोइंग वाला है वो रॉड्स। डन,